हेलो गाइस, राम राम सभी को। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद सब अच्छे होंगे। तो मैं उठ चुका हूँ, नहा धो के रेडी हो चुका हूँ अपना कोचिंग पे जाने के लिए। कर लिया मैंने बैकपैक और बस अभी खाना खुना खा के निकलते हैं यहाँ से। तो दिखाते हैं आपको मैं क्या, आज एक भाई की छुट्टी है, दूसरे भाई की छुट्टी है, तो आज कहता हम कहीं और भी जाएँ घूमने, जैसे कल हम वहाँ गए थे, आप लोगों ने देखा ही था। ठीक है, तो आज भी हम जाएंगे। तो आज तो मैं जल्दी नहीं आऊँगा, आज मैं तो 5 बजे ही निकलूँगा वहाँ से टाइम से। तो जो भी अगर जहाँ भी जाएंगे दिखाएंगे आपको। तो फिलहाल अभी चलते हैं, खाना खुना खा के निकलते हैं कोचिंग के लिए। तो गाइस मैं निकल चुका हूँ अपना घर से पैदल पैदल, 1:45 हो चुके हैं टाइम, और मे भी मुझे 15 से 20 मिनट लगने हैं ठीक है वहाँ तक पहुँचने के लिए। तो अब मैं आपको सीधा मिलूँगा सेंटर के बाहर पहुँच के। बाकी आज हमने शाम को आके जाना भी है फ्री पॉट के नाम से, एक फैशन आउटलेट है जहाँ पे मतलब कि बढ़िया सामान मिलता है, मेला लगता है, जैसे मेला टाइप है। तो हम शाम को वहीं जाएंगे। तो देखते हैं, मैं भी सीधा वहीं से वहीं जाएँ या करा के जाऊँगा, जैसे भी होएगा तो बताऊँगा मैं आपको। तो फिलहाल मिलते हैं आपको सीधा वहीं पर अपना कोचिंग सेंटर के बाहर। योर नेम काजी, आफ्टर काजी, आफ्टर ऊ अब्दुल अब्दुल Abdul? No. Fahar. Fahar. Abdul is here. Mas, él también no fundo. Abdul is U Fahar. U Fahar. U Fahar. पीछे वाले सारे। पीछे वाले सारे। बैक नहीं चल रहे। Está encostado à parede. Ah, não, não é encostado que eu quero. Está ao lado da parede. It's finished almost. Yeah? Aulado do parade. Aulado, the last line. Oh, Abdul is the aulado the? The parade. The parade. Parade? Parade. Parade. Oh, wow, wow. You? तो गाइज मैं निकल चुका हूँ अपना क्लास में से, छुट्टी हो चुकी है, नेट पास पास में है मेरे। बाकी अब घर जाके देखते हैं, बाकी आज मेरा नेट भी नहीं चल रहा, सिम भी लेनी पड़ेगी एक न्यू, क्योंकि वो सिम ख़त्म हो चुकी है उसमें नेट। और पतन भाई भी कॉल कर रहे होंगे व्हाट्सएप पे, तो अभी घर जाके पता लगेगा अगर वो घर पे आ गए होंगे तो, क्योंकि वो सुबह गुरुद्वारा जाने ही कह रहे थे, वो जाके आ गए होंगे। तो अभी हमने जाना है फ्री पॉट, ठीक है आपको दिखाऊंगा। बाकी जो आपने लास्ट में देखा तो उसमें मतलब कि हमारे बारे में लिखा हुआ था, जब हम लास्ट में बैठे थे कि हम क्लास में कहाँ बैठे हैं, तो उसमें और फोन दे का मतलब था, और फोन दे इन द मतलब एंड, इन द एंड क्लास के बिल्कुल एंड में हम बैठे थे। तो उसमें जैसे मेरा नाम भी था, तो साथ में बैठे थे एक पाकिस्तानी भाई था और एक नेपाली, चेतन और फहद, वो दोनों बैठे हुए थे। तो अब मैं पहुँचता हूँ घर पे, तो घर पहुँच के मिलते हैं, देखते हैं भाई आएंगे तो आ गए होंगे तो निकल जाएंगे हम वहाँ से ना टाइम से, क्योंकि दो कम से कम हमको 1.5 या 1.5 घंटा लगना है, 1.5-2 घंटे लगने हैं उनको वहाँ पहुँचने में जहाँ हमको जाना है बाईपास, क्योंकि स्टॉप जो है 62 स्टॉप है, मतलब यहाँ से जाएंगे और यहाँ से फिर उसके औसत से आखिरी स्टॉप उसी बस का है 4600, तो हम उसमें जाएंगे।
तो मिलते हैं आपको उसमें बैठने के बाद, मतलब कि घर पहुंचने के बाद, तो बने रहना वीडियो में। तो गाइस घर पहुंच के मैंने बस बैग ही रखा है, बैग रखने के बाद मैंने बस ये कोटी पाई है क्योंकि थोड़ी सी ठंड हो चुकी थी, और मैं अब निकल चुका हूँ अपना द्वारा वहीं पे बस स्टॉप की तरफ, जहाँ मेन बक्सा का मेन स्टॉप है, जहाँ स्टेशन है, ठीक है, वहाँ से जाएगी वो बस। और भाई जो है वहाँ से बैठ चुके हैं ब्रेरो से, तो उनका भी फ़ोन आ चुका है कि बस वहाँ से निकलने वाली है 2 मिनट में, तो वो यहाँ तक पहुँचने में लगेगी कम से कम 10 मिनट मान के चलो, तो मुझे भी वहाँ तक पहुँचने में 10 मिनट लग जाएंगे। तो बस मैं निकल चुका हूँ और अब मैं मिलता हूँ आपको सीधा बस स्टॉप पे, ठीक है, बस में बैठने के बाद फिर अपना वहीं पे फ्रीपोर्ट जो मॉल है वहाँ पे, तो ठीक है मिलते हैं अब। तो गाइस अभी ना भाई का बीच में फ़ोन आया था, तो बता रहे हैं कि अभी ना वहाँ से कोई बस आई नहीं वहाँ पे ना, मेन ब्रारो पे जो 4600 जो बस वहाँ जानी है फ्रीपोर्ट, तो अभी देखते हैं, वो कह रहे हैं कि या तो बस का वेट करते हैं नहीं तो फिर वो ट्रेन में आएंगे, और फिर बाय ट्रेन हम जाएंगे मोहिता, फिर मोहिता से देखते हैं कोई बस जाएगी तो ठीक, नहीं तो फिर वहाँ से टैक्सी वगैरह करनी पड़ेगी, जैसा भी होएगा देखते हैं। बाकी फ़िलहाल मैं लेने जा रहा हूँ सिम, क्योंकि सिम भी ख़त्म हो चुकी थी, तो अपने ही पे है एक शॉप, मतलब कि जो जिस शॉप में पहले थे ना उनके लिंक हैं, उन्हीं के मतलब लगा लो, छोटी ब्रांच लगा लो जैसे भी, तो वो शॉप यहीं पे है, तो मैं वहीं ले उसी पे, तो उन्हें सिम लेने जा रहा हूँ, तो अब सिम लेके मिलते हैं। तो गाइस मैं बैठ चुका हूँ अपना ट्रेन में और हम निकल चुके हैं यहाँ से, हम जाएंगे यहाँ से मोहिता, फिर वहाँ से हम देखते हैं अगर बस जाएगी तो बस में, नहीं तो फिर टैक्सी में। बाकी भाई बैठे अपने सामने बैठे हैं हम भाई, और बैठे उस टाइम ट्रेन में अम्बोई में। तो गाइस हम उतर चुके हैं अपना मेट्रो में से, और भाई ने किया अभी टैक्सी जो हुई है यहाँ से 6:51, मतलब 6:51 की, और वो अभी आने वाली है क्योंकि जो बस है वो लगाएगी यहाँ से पूरा पौना नहीं सवा घंटा, और भाई टैक्सी अगर हम जाएंगे तो टैक्सी लगाएगी मे बी 20 मिनट आधा घंटा, तो इसलिए हमने सोचा कि चलो टैक्सी कर लेते हैं क्योंकि टाइम भी बहुत हो चुका है, रात हो चुकी है, तो चलो मिलते हैं आपको टैक्सी में बैठने के बाद। तो गाइस टैक्सी अपनी आ चुकी है, ठीक है, यही आ रही है, यही है, तो अभी मिलते हैं इसमें बैठने के बाद। You know the timing of the Freeport? The closest? Yeah. I think the... It's 9 or 10. I'm confusing about this. 10? I confirm. I check on online like some are like 9 or some are like 10. It depends upon the stores. It's good at night there because I am going first time there. Not good, the Freeport. Yeah. Yes. It's good? Yes. Don't have very people. Sorry? Don't have very people. Very people. This hour, don't have. Não, fala português, não problema. Ah, fala português? Sim, okay. pouco, sim, não problema. A esta hora? Sim. Não tem mais gente, Não tem muita gente. Ah, tá bem. Não problema. Não preciso muito pessoas. Eu preciso para comprar coisas. Exatamente. Sim.
Ah, pensava que não falava português. Não, eu falo aí mais pouco a pouco. Eu entendo, mas eu falo pouco a pouco português também. Mas às vezes muita pessoa, uma pessoa não consegue ver tudo, tem que andar a correr. Sim, sim, sim. Com menos pessoas pode ver tudo devagar. Ah, tá bom. तो भाई जैसा कि आप लोग अभी देख रहे हो इन दोनों की बातचीत हो रही है क्योंकि पुर्तगाल में कुछ ज़्यादा तो आती नहीं ज़्यादा तो बहुत ही कम आती है बाकी मैं समझ गया इन्होंने बोला कि वहाँ पे इस टाइम ज़्यादा मतलब ज़्यादा लोग नहीं होते इस टाइम पे फ्रीपोर्ट में चलो देखते हैं वहीं जाके पता लगेगा कितना रस है कितना नहीं तो अब सीधा मिलेंगे आपको वहीं पहुँचने के बाद बाकी रास्ते में कुछ अगर कुछ यूनिक चीज दिखी तो वो भी दिखाऊंगा नहीं तो फिर रिपोर्ट ही मिलते हैं तो गाइस फाइनली हम पहुंच चुके हैं अपना फ्रीपोर्ट आउटलेट में जो मेरा पीछे देख ही रहे होंगे बाकी अभी आपको दिखाता हूँ बैक कैमरे से अच्छे से तो जैसे अपने वहाँ पे अपने इंडिया में जैसे अम्बाला में एक NH1 है ठीक है जहाँ पे सारे मतलब कि अच्छे कपड़े सस्ते दाम में मिल जाते हैं ना वो चीज़ें यहाँ पे है तो बाकी हम दिखाते हैं आपको प्रॉपर अच्छे से बाकी गाइज यहाँ पे ना मतलब कि हर एक ब्रांड है हर एक न्यू बैलेंस एडिडास नाइक लैप्टी अपना यूएस पोलो ठीक है ना सारे ही हैं तो बाकी मैं दिखाऊंगा अभी हम जाएंगे नाइक में और एडिडास में ठीक है तो मैं दिखाऊंगा बाकी फ़िलहाल हम जा रहे हैं थोड़ा सा फ्रेश होने ठीक है टॉयलेट में तो मिलते हैं बाद में तो भाई जिस टाइम अभी हम बैठे हैं ना ये मतलब बाथरूम के अंदर है पापा बैठने के लिए एरिया दे रखा है किसी को मतलब बैठना है तो और ये सामने इधर वॉइस टॉयलेट अंदर ही मतलब बहुत बढ़िया बना रखे हैं अंदर से ही आए हैं तो निकलते हैं यहाँ से
I love food. चलो उन केड़े से चलना मम्मी चल तो भाई जैसा कि आप सबने देखा ही है कितना औसम यहाँ पे, मतलब कि रेट वगैरह भी बहुत अच्छे हैं, मतलब सस्ते हैं, चीपेस्ट हैं, और आसपास की लोकेशन भी यहाँ की बहुत अच्छी है। मतलब कोलंबो मॉल से मुझे यहाँ सही लगा, क्योंकि यहाँ पे मतलब लोकेशन भी बहुत अच्छी है और ब्रांड भी सारे हैं, सस्ते के सस्ते हैं। और ये पार्क, मतलब छोटा सा पार्क है, जैसे बैठने के लिए लगा लो, बैठने के लिए यहाँ पे ये बैठने के लिए भी है, कुछ को कुछ खेलने के लिए भी, कुछ भी लगा लो। तो गाइस हम वहां से निकल चुके हैं, फ्रीपोर्ट मतलब कि अपने बैक साइड में ही है।
और इसके बिल्कुल जस्ट ये बाहर निकलती, ये अपना है बस स्टॉप, ठीक है। अब हम यहाँ से जाएंगे 4600 बस पकड़ के, तो देखते हैं अभी हमको घर जाना है या यहाँ से तक जाएंगे कोलंबो मॉल। बाकी जो टाइम है अभी हो चुके हैं 9:30 बजने वाले हैं, तो 9 बजे की बिल्कुल बस है 9 बजे पे, तो देखते हैं यहाँ तो सीधा वहीं जाएंगे अपना कोलंबो, नहीं तो फिर अपने घर पे रुकेंगे, तो जैसे भी होगा दिखाएंगे। बाकी ये आज रात मुझे मैंने सोना भी नहीं है क्योंकि मुझे सुबह उठ के जाना है ओरिएंट, मतलब कि मुझे वहाँ 7 बजे तक पहुँचना है, तो देखते उसके अकॉर्डिंग क्या रहेगा, जो भी होएगा बताऊँगा आपको। मे बी मुझे निकलना पड़ेगा 5 बजे के आसपास, 5 नहीं तो 6 बजे मुझे निकलना ही पड़ेगा, तो उसके अकॉर्डिंग मुझे उठना भी है। बाकी डेली तो मैं 2 बजे 2:30 बजे जाते हैं सोते हुए, क्योंकि 2 बजे भाई और रहते हैं अपना काम से, तो उसके बाद अपना इनके साथ थोड़ी देर बैठ के फिर सोते हैं हम सारे, तो अब मिलते हैं आपको उसके बाद ही। तो कैसे हम बैठ चुके हैं बस में, ठीक है, और ये बस मतलब क्या 4600, लेकिन मुझे थोड़ी छोटी सी लग रही है, प्यारी सी भी है, दिखाता हूँ आपको बैक कैमरे से, मतलब छोटी सी है और ये अलग से एक सीट दे रखी है। तो मिलते हैं आपको घर पहुंच के या फिर सीधा कोलंबो मॉल जा भी जाएंगे। तो भाई बस में से उतरने के बाद हमने जैसे पहले सोचा था कि हम जाएंगे कोलंबो मॉल, बट हम लेट हो जाते तो इसलिए वहाँ जाने कोई फ़ायदा नहीं था, क्योंकि 11 बजे उसने बंद हो जाना 12 बजे, और हम वहाँ पहुँचते तो 11:30 हो जाते, तो आधे घंटे में क्या कर लेते, कुछ भी नहीं। तो इसलिए हम आ चुके हैं एकदम डोमिनोज पिज़्ज़ा अपना बैर में, तो हम करते हैं ऑर्डर और फिर जब खाते हैं फिर मिलते हैं। खान भी लग गया, तो फाइनली गाइज हम पहुंच चुके हैं अपना घर पे और सारे भाई सो रहे हैं, तो पहले दवा चल लगा दो क्योंकि रास्ते में मतलब पिज्जा पुज्जा खाने के बाद ही जस्ट हमारे पास सिर्फ 3 मिनट थे बस स्टॉप तक आने के, और बस स्टॉप ही मतलब थोड़ी दूर था, मतलब 3 मिनट हमको दौड़ते हुए हम गए तब जाके हमको बस मिली, नहीं तो फिर पूरा आधे घंटे बाद बस थी, तो इसलिए हम सीधा बस में बैठे और अब अपना घर पे आके इस वीडियो को एंड कर रहा हूँ मैं। मतलब आज हमको जब हम गए थे फ्री पोर्ट, वो हम पहली बार गए थे, जो मेरे साथ भाई हैं वो भी 2 साल हो चुके हैं उनको यहाँ पे, फिंगर वगैरह उनके सब हो रखे हैं, बस कार्ड आने के कार्ड आना बाकी है उनका, तो वो भी पहली बार गए थे, तो मैं भी उनके साथ गया था आज। बाकी हमने पूरा एंजॉय किया, बाकी हमने देखते हैं अभी खाने पीने का, तो बाकी हमने पकाए हैं डोमिनोज से, तो अभी मैंने सुबह भी जाना है अपना 7 बजे मुझे पहुँचना है अपना सेतेरोइस, ठीक है, तो मैं निकलूँगा यहाँ से अपना देखता हूँ 5 बजे उठूँगा और 5:55 पे यहाँ से बस है, फिर आगे कम्बोई मतलब सिप, फिर आगे अपना मेट्रो, तो जैसे भी होगा मैं दिखाऊँगा आपको कल। बाकी आज के लिए अपना इतना ही, तो मिलते हैं किसी और नई वीडियो में। बाकी फ्री फोटो करना चाहिए आपको कैसा लगा वो बताना, बाकी बीच में एक दो फोटो मैंने अपने ऐड की हैं तो वो भी बताना कैसी लगी, तो मिलते हैं किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम, टेक केयर, लव यू टू ऑल।